Hello guys, what's up? I am back again with another reaction video. This is Space and welcome back to a new reaction video. Today we're gonna be reacting on Joke's latest EP. EP का नाम क्या है? रुको देखना पड़ेगा. EP का नाम है आपका Day Before Yesterday. Okay. तीन गाने हैं, शारे, उमर अंजुम एंड हमारा JJ 47. Who is this? Hazy. Hazy. तुम्हें वॉइस पीछे से सुन पाए होगे तुम, तो यू नो द ड्रिल ब्रो. तो पहला गाना ईपी का सुनते हैं. गाने का नाम है गिविंग इन, जोके एंड फीचरिंग शारे, शारे द जी, यू ऑल नो. अटैचमेंट्स एल्बम इज हिज बेस्ट वर्क. तुम लोग क्या बोलते हो कमेंट्स में बताओ. 3, 2, 1, लेट्स गो. व्हाट्स अप विद दिस कवर आर्ट ब्रो? खड़े हाथ लेके खाली हम कभी फुर्सत से देखो तो मैंने पाया है खोके सब. कभी फुर्सत से मिलो तो बताएंगे दास्तां तुझे. तू लगे मेरे गले कैसे रास्ते खोले पर समझा ना सके. ये भूल है हमारी बता ना सके. तुम ही खास थे फिरे ना हम बात से. होती थी आसानी काफी सारी जब तुम साथ थे. बिछड़ने पे मजबूर से. नो भाई, दिस वॉज नॉट नीडेड. ये टाइम पे ये ट्रैक होना जरूरी नहीं था. तुम खास थे या और बिछड़े जब मीन्स तुम जब थे सब चीजें आसान थी. ये टाइम पे ये ट्रैक जरूरी नहीं था ब्रो. रुको पीछे जाते हैं. कभी फुर्सत से मिलो तो बताएंगे दास्तां तुझे. तू लगे मेरे गले कैसे रास्ते खोले पर समझा ना सके. ये भूल है हमारी बता ना सके. तुम ही खास थे फिरे ना हम बात से. होती थी आसानी काफी सारी जब तुम साथ थे. बिछड़ने पे मजबूर जमाने के हम मत से. तुम लिख देना इस तख्ती पे के आशिक थे इस नाम के. थोड़े थे मजाइया बड़े खुश मिजाज से. लेकिन जब भी लिखते थे तो बेहद ना हिसाब से. कितनी थी कहानी कितनी असर उनके हाथ से. तभी है ये गाने इस महरूम की किताब से. मुझे याद तुझसे पहली मुलाकात भी. क्या तुम जानती कि जलता तुझसे चांद भी. क्योंकि हम तारीफों के पुल बांधे जब भी तुझसे करे बात. हर राग हर रात नाम की वो थी झूठी तसल्ली या नीयत में खोट. वो साकी है गए तब से सूखे हैं होंठ. कोई हाथी डैम भाई. वी नो जानी किल्स इन दिस वाइब्स मींस रोमांटिक लोफी लव वाले वाइब में. बट शारे इज डैम अंडररेटेड. शारे इज डैम अंडररेटेड. एंड व्हेन आई से अंडररेटेड मुझे पता है वो कैलिबर था बंदे में जब उस अटैचमेंट एल्बम का आई गेस अटैचमेंट टाइटल ट्रैक्स की आई डोंट नीड अटैचमेंट्स वो ट्रैक तुम जाके सुनो. स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स है. एंड तुम लाइन सुनो भाई, लाइन सुनो भाई. मेरे को याद आ रही है भाई सब बातें की भाई. This is not done bro, this is not done by Shaare bhai. Kya pyara tumhari khoobsurti se jalte the chand bhi. My god, Shaare is damn underrated bro. In this I guess so means in this genre main bolunga to. Let's go. देना इस तख्ती पे के आशिक थे इस नाम के. थोड़े थे मजाइया बड़े खुश मिजाज से. लेकिन जब भी लिखते थे तो बेहद ना हिसाब से. कितनी थी कहानी कितनी असर उनके हाथ से. तभी है ये गाने इस महरूम की किताब से. मुझे याद तुझसे पहली मुलाकात भी. क्या तुम जानती कि जलता तुझसे चांद भी. क्योंकि हम तारीफों के पुल बांधे जब भी तुझसे करे बात. हर राग हर रात नाम की वो थी झूठी तसल्ली या नीयत में खोट. वो साकी है गए तब से सूखे हैं होंठ. कोई हाथी न था मैं इस बात का अफसोस. ये जाम रहे खाली इंतजार करे रोज. किसी जाने में यूं ही चल पड़े हम मीलो दूर. कितने ख्वाब मैंने देखे थे वो सब गए. उम्मीद क्या लगाए हम चल पर इतने दूर. कुछ ख्वाब जो देखे थे वो हो चुके हैं मीन्स वो गए हैं टूट. एंड दिस थिंग्स विल टॉक. जब तुम अगर ऐसा ब्रेकअप या फिर ऐसे झगड़ा पगड़ा होगा तो दिस थिंग्स विल टॉक भी कि ब्रो जो सपने देखे थे उसका क्या. इट इज व्हाट इट इज ब्रो. बंदा रुलाएगा दूर. कितने ख्वाब मैंने देखे थे वो
सब कर टू, उम्मीद क्या लगाए अबे जान सी ही हो गई ये रूह, तुझे जानते सब वाकिफ है, अब तुम ही से सुख है और तुम से सुकून, और तुम ही को पाके मैं खुद से जुड़ू, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मोहब्बत का हमने भी रखा जुनून, समंदर गम में जो गए डूब, तो अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, बता मुझे पहले ठीक थे अब तुम क्या हुए, खफा हुए मरहूम को मरहम से क्या नफा हुए, मेरी चाह हुए न चाहते हुए भी तुम यूं खफा हुए, सजा हुए मनाए तुझे कैसे ये बताओ मुझे, तेरे बिना जीना भी मुझे अजाब लगे बेहिसाब तुझे, रियल लाइफ स्टोरी अभी अभी मेरे जिंदगी में जो चल रहा है, इट्स परफेक्टली डिपिक्टिंग दैट। शारे भाई हमारे लिए गाने लिख रहे हो क्या तुम, रियल भाई रियल, कैसे मनाई तुम्हें तुम बताओ मुझे, और रियल ब्रो, एक एक गाना होता है ना तुम्हारे लाइफ के साथ, अभी सिचुएशन के साथ मिल जाता है, दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स। हुए न चाहते हुए भी तुम यूं खफा हुए, सजा हुए मनाए तुझे कैसे ये बताओ मुझे, तेरे बिना जीना भी मुझे अजाब लगे बेहिसाब तुझे चाह यूं हिसाब ना ले, पे असर मुझ पे चीजें कोई एहसास ना है, काफी दिल से तुझ पे लिखता तो मजाक ना ले, कैसी तकलीफों से गुजरे जाना हम तुम, ना कोई हम सफर ना कोई ठिकाना, पर तुम मेरी दिल लगी मेरा परवाना, सब तुम जाना भी अब लगे अनजाना, प्रखर तुम पर तू देखती नहीं, तू देखती रही, तू देखती सही हमें कि सही हो तुमसे नूर, लेकिन तू जो अब साथ ही नहीं वो बात ही नहीं, नहीं काटी गई वो रात कहीं मैं खुद से दूर, मैं फील है ब्रो ट्रैक में फील है भाई, वो इमोशन पोर्ट्रे कर रहा है थारे, मैं थारे शारे दैट भाई, वो म्यूजिकल सेंस बोलो ना तुम, जो वो बीट को पढ़ने की नॉलेज, किस जगह में क्या करूँगा, जो वो इमोशन फील होगा, ही नोज दैट लिरिक्स, हार्ड हिटिंग लिरिक्स वो एक अलग चीज़ है, बट हाउ टू डिलीवर दैट इमोशंस ही हैज मास्टर्ड दैट। अंजुम के मीन्स अंजुम का डाउन द डक्स बोल लो, मी एंड यू बोल लो, उसके बाद अगर तुम कोई ट्रैक चूज करोगे इन दिस जॉनर में, प्यार दुख मोहब्बत ये जॉनर में, ग्रेविटी और मून बाउंस मैंने सुना है, वो एक एल्बम हो सकता है, उसके बाद शारे का ये ट्रैक हो सकता है ब्रो, बिकॉज अभी जो चल रहा है जिंदगी में ही इज परफेक्टली डिपेक्टिंग, मतलब डिपेक्टिंग क्या मतलब बता रहा है वही चीज, आई एम जस्ट फीलिंग दिस सॉन्ग। लेकिन तू जो अब साथ ही नहीं वो बात ही नहीं, नहीं काटी गई वो रात कहीं मैं खुद से दूर, अब तुम ही से सुख है और तुम से सुकून, और तुम ही को पाके मैं खुद से जुड़ू, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मोहब्बत का हमने भी रखा जुनून, समंदर गम में जो गए डूब, तो अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, डे बिफोर यस्टरडे, ईपी का नाम है डे बिफोर यस्टरडे एंड जोके का ईपी है, तो मैं ही चूतिया हूं अगर मैं समझूंगा कि कोई भी एक नॉर्मल एवरेज सा गाना उठा के ईपी में इंक्लूड कर लेगा, ये तो होने वाला है नहीं। He will pick बोलते हैं ना बगीचे में से सबसे बेहतरीन फूल, that's the thing bro। After a long time शारे ने कुछ G complex बोल के ये कुछ निकाला था EP mixtape I don't know, but मैं जितना सुना हूँ recent times में एक अच्छा heart break या फिर दिल टूटा आशिक का तुम अगर बातें, शारे man this song is that song, means ये song है जो तुम्हारे playlist में जाएगा, means डैम रिलेटेबल भाई, डैम रिलेटेबल। दूसरा गाना है नो रिकॉन्साइल, मतलब क्या ब्रो रिकॉन्साइल का इंग्लिश मीडियम, फिर भी तुम्हें पता है जो भी पता है ब्रो, जोके एंड उमर अंजुम, तैमूर भाई का तुम्हें चिट्ठे कांड सब तो पता ही है भाई, तो उमर भाई
कुछ शॉर्ट्स लेंगे क्या उन पे, क्योंकि देखते हैं कैसा ईपी। मेरे को तो नहीं लग रहा ईपी एक मीन्स वो थीम, अगर ऐसा थीम जैसे शारे ने शुरू किया है उसी पे फॉलो करना चाहिए। आई डोंट नो अगर ये गाना अलग हो तो। सबर जब भी जानू आगे का छोड़ू मैं लेगेसी, वक्त हो जब जाने का माने वो नहीं कभी वक्त आया आने का मेरा। छोड़ू मैं लेगेसी जब वक्त हो जाने का। एंड मुझे नहीं पता था मैं माइक के सामने होऊंगा तो मैं अब हूँ तो तू साइड ले। स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, बीट भी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। मतलब तुम वो ग्रूव वो वाइब में तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें फिट इन होना पड़ेगा। ऐसे 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 अगर एक चल रहा है तुम अगर फील कर पाओगे, लगता है कि ऐसे ऐसे कोई चीज ऐसे ऐसे सराउंड कर रहा है तुम्हें, मीन्स ऐसा सराउंडिंग है। स्टार्टिंग से सुनते हैं, लेट्स टेक द वाइब। Yeah. Let's go. सोचा था कभी मैं होऊंगा या माइक पे, नाउ दैट आई एम हियर सजेस्ट टू अपसाइड पे। कितने आप पल रहे हैं कितनों की हाइप पे, बंद हो गए लौंडे नहीं उठे वो टाइम पे। सबक के नहीं लाइक तुम बनते जिहादी, जख्म के नहीं लाइक वो मांगे फीचर क्या कलम के वो लाइक। तुम ले लो चैनल आई डोंट डू इट फॉर लाइक्स, मैं बन चुका क्या से क्या, आई एम वे इन इट तो आउट, मुझे ना देखा रखता मैं सबर जब भी जानू आगे का छोड़ू मैं लेगेसी, वक्त हो जब जाने का माने वो नहीं कभी वक्त आया आने का मेरा। सुनता था इनकी अब नहीं रहा वो चेहरा, ना रहे वो खत ना रहा वो उम्र, बस कला दिमाग पे देती है पैरा। जोखे और मैं आ गए जब साथ तो जोखे और मैं जो बन रहे थे रैपर्स यहाँ होके ऑल टेन, वो हो चुके रैप अप है डब्बे में जैन। They can't seem to find, जाएंगे खुद ही नीचे waiting for my mean decline, team को time तेरी you know we don't wait in line, even the time when I'm down करूं beat पे shine, धीमे जाएं बोले it's not people's style, fuck the people, नहीं सुनता मैं इनकी राय गीत पे high, लेकिन मिले तो street पे shy, seamless खाएं इन चीर के no reconcile, मैं घूम रहा rounds, बस देखूं और हंसूं, look at these clowns, वो अरसे से चाहते थे घेरे हम, let's take this, आगे का छोड़ू मैं legacy, वक्त हो जब जाने का माने वो नहीं कभी वक्त आया आने का मेरा। सुनता था इनकी अब नहीं रहा वो चेहरा, ना रहे वो खत ना रहा वो उम्र, बस कला दिमाग पे देती है पैरा। जोखे और मैं आगे जब साथ तो जोखे और मैं जो बन रहे थे रैपर्स यहाँ होके ऑल टेन, वो हो चुके रैप अप है डब्बे में जैन। They can't seem to find, जाएंगे खुद ही नीचे waiting for my mean decline, team को time तेरी you know we don't wait in line, even the time when I'm down करूं beat पे shine, धीमे जाएं बोले it's not people's style, fuck the people, नहीं सुनता मैं इनकी राय गीत पे high, लेकिन मिले तो street पे shy, seamless खाएं इन चीर के no reconcile, मैं घूम रहा rounds, बस देखूं और हंसूं, look at these clowns, वो अरसे से चाहते थे घेरे हम मक्का फाते अमल comes back around, मैं घूम रहा rounds, बस देखूं और हंसूं, look at these clowns, वो अरसे से चाहते थे घेरे हम मक्का फाते अमल comes back around. Comes back around. They wanna kill me but don't wanna miss, cause it comes back around. Banda baaton se banta nahi, rakhe tu bandook nahi ye wo kanda nahi. Takes a little while but they realize, jo ye chahte mujhse main wo banda nahi around. Fake it for the gram, truth be told, nahi buchti soch hai sukh bhi rose. Wo khud zero se chade par bhookhe the views ki khoj mein chun li maut. Main baitha tha chup jab aate thi ban. Views ki khoj mein chun li maut. Been a while they realize मैं वो बंदा नहीं जो वो चाहे। You can see the rhymes, थोड़ा सा पीछे करते हैं सुनना है। Comes back around. They wanna kill me but don't wanna miss, cause it comes back around. Banda baaton se banta nahi, rakhe tu bandook nahi ye wo kanda nahi. Takes a little while but they realize, jo ye chahte mujhse main wo banda nahi around. Fake it for the gram, truth be told, nahi buchti soch hai sukh bhi rose. Wo khud fake it for the gram, tell the truth. Fake it for the gram, Taimur ka ho sakta hai ya phir kisi aur bhi random aisa bar ho sakta hai. But we will relate with Taimur back. That's the fucking yeah, bro. बंदा बातों से बनता नहीं, रखे तू बंदूक नहीं ये वो कंधा नहीं। Takes a little while but they realize, जो ये चाहते मुझसे मैं वो बंदा नहीं आ रहा हूँ। Fake it for the gram, truth be told, नहीं बुझती सोच है सुख भी रोज, वो खुद zero से चढ़े पर भूखे थे views की खोज में चुन ली मौत।
मैं बैठा था चुप जब बातें थी बनी पर बातें महदूद औकात तक बातें ही रही ना आगे वो बड़ियां बोलेगी मेरी सिम्फनी जब बोलूं ना मैं कभी हाँ छोटे पीछे हो पढ़ते हेडशॉट्स लौंडे नीचे हो यू कैन गेस कौन की छटांगे रीची ने ये मांगे ना गेम से सीखे हो हाँ छोटे चलता बन रुकावट नहीं रास्ता बन वो घंटी बजाते रह गए जिनका उर्दू रैप इधर कलता कर वो घंटा बजाते रह गए जिनका उर्दू रैप कलता कर शॉर्ट्स कहा जा रही है घूम रहा राउंड्स बस देखूं और हंसूं लुक एट दिस क्लाउन्स वो अरसे से चाहते थे गेरे हम मक्का फाते अमल कम्स बैक अराउंड मैं घूम रहा राउंड्स बस देखूं और हंसूं लुक एट दिस क्लाउन्स वो अरसे से चाहते थे गेरे हम मक्का फाते अमल कम्स बैक अराउंड कम्स बैक अराउंड कम्स बैक अराउंड दे वांट टू किल मी बट डोंट वांट टू मिस cuz इट कम्स बैक अराउंड ओमनीट्स के लिए हो सकता है तैमूर के लिए हो सकता है क्योंकि आई एम लाफिंग एट दिस क्लाउन्स और वो जो हरकत कर रहा है वो एक क्लाउन से कम नहीं है एंड छोटे से गाने में तुम्हें बहुत सारा पार्ट्स देखने को मिलेगा पार्ट्स बाय आई मीन सिंह बहुत सारा वो अपना फ्लोस दिखाने का कोशिश किया गया है कि मेरे स्किल सेट में ये है वो है एंड आई लव दैट अच्छा गाना था पैक्ड गाना था कॉम्पैक्ट जो बोलोगे ना कि मिस नहीं होंगे चीज जिन्हें रैप पसंद है मीन्स नॉट ओनली सिर्फ लिरिक्स जिन्हें रैप गेम पसंद है हाउ टू राइम हाउ टू फ्लो ये सब चीज़ों का नॉलेज है वो इन्जॉय करेंगे गाना सीधा साधा बात और मैं सोच रहा था कि जैसे सारे स्टार्ट किया था वो वाइब का होगा बट नो दिस वॉज अलग तो थर्ड सॉन्ग द लास्ट सॉन्ग ऑफ द ईपी लास्ट सॉन्ग कौन सा है मीन वाइल ओके कौन हेजी हेजी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ बहन चोट जो भी अडाओ एंड जे जे सर तो एड स्किप कर लेते रुको इस बीफ क्यों में जेजी यस सर द लास्ट सॉन्ग जोके हेजी एंड जे जे 47 थोड़ा शायरी के लिए रेडी हो सकते हैं क्या हम लोग मुझे चैन से ना जीने देगी तू मैं तो ताना ही तो ठीक क्या करूं मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी तभी ताना बैठे ने क्या गिनूं हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के आंखें नशीली तो दुश्मन दिखे भाइयों में चलते जाए गहराइयों में आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी वादों के पक्के थे हाथों में कटे थे वजन था इतना के झुके हुए कंधे थे नजरें थी ऊपर और अकड़ में खड़े थे उम्र से छोटे पर अकल से बड़े थे हाथ से अंधे आंख से देखे तो पता चला दुनिया बहुत अजीब जबान से गंदे और दिल से वो साफ तो दुनिया नहीं समझेगी ठीक समझा मेरा कौन है कोई नहीं मैं तो जानू सब मेरे चाचू मेरे मामू लगे चालू सब दुश्मन के मन में झाकू बोलू जाके व्हाट इज अप चौधरी साहब बर्न करूं ब्रिज अक्सर लेता काफी रिस्क रोता नहीं मैं रोजी को खुदा लिखे मेरा रिस्क उसी से करूं मैं इश्क उसी से मांगू मैं सब उसी से मांगा सिस्केड दे दो हेवन का टिकट क्योंकि मुझे चैन से ना जीने देगी तू मैं तो ताना ही तो ठीक क्या करूं मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी तभी ताना बैठे ने क्या गिनूं हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में पीछे करते ब्रो एक बार पीछे करते स्टार्ट तो बड़ी बार बस आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कोई स्टोरी है कि नहीं पूरा मिला जुला के तन्हा था ठीक तू फिर क्यों आए जिंदगी में यहाँ से लेके मेरे चाचू मामू चालू ये जस्ट रैंडम्स बातें हो रही है क्या वो बार ये पूरा मिला के उसका स्टोरी कुछ वो पोर्ट्रे करना चाह रहा है उसके लिए मैं थोड़ा पीछे करके फिर से सुनना चाहूंगा चीजें या लेट्स गो तभी तना बैठे ने क्या गिनूं
हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में, खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी वादों के पक्के थे, हाथों में कटे थे, वजन था इतना के झुके हुए कंधे थे, नजरें थी ऊपर और अकड़ में खड़े थे, उम्र थे छोटे पर अकल से बड़े थे, हाथ से अंधे के आंख से देखे तो पता, अकल से बड़े थे, नजरें थे झुकी पर अकड़ से खड़े थे। यू नो दैट वो यंग एज वाला चीजें होता है अभी भी। पापा जो हमारे फादर या पापा लोग होते हैं वो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, पर तुम एज अ बच्चा वो नहीं, क्यों वो ऐसा बोलेगा, मैं मारूंगा बहन चोर उसे, इट्स लाइक दैट। क्योंकि तुम काफी वादों के पक्के थे, हाथों में कटे थे, वजन था इतना के झुके हुए कंधे थे, नजरें थी ऊपर और अकड़ में खड़े थे, उम्र थे छोटे पर अकल से बड़े थे, हाथ से अंधे के आंख से देखे तो पता चला दुनिया बहुत अजीब, जबान से गंदे और दिल से हो साफ तो दुनिया नहीं समझेगी ठीक, समझा मेरा कौन है कोई नहीं, मैं तो जानू सब, मेरे चाचू मेरे मामू लगे चालू सब, दुश्मन के मन में झाकू बोलू जाके व्हाट इज अप चौधरी साहब, बर्न करूं ब्रे, सॉरी भाई सॉरी, बट तुम देख लो हार्ड कोर फ्लो विद दैट इंटरनल राइम्स भी बोल लोगे, अकर अकल वो तुम बोल सकते हो। एंड उसके बाद ही अचानक से कॉकी, किसे कॉकी बोलते हैं क्या, कॉकी मुझे वो ठीक वर्ड नहीं पता, बट एक फनी या फिर वो मॉकिंग टाइप में ना कि मेरे चाचू मैं जानू व्हाट इज अप, तो एक वो भी एक रैपर डिलीवर कर सकता है इन द सेम ट्रैक में, बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि दोनों स्किल्स है उसके आर्टिस्ट्री में। तो या जक्सर लेता काफी रेस, क्रोता नहीं मैं रोजी को, खुदा लिखे मेरा रेस, उसी से करूं मैं इश्क, उसी से मांगू मैं सब, उसी से मांगा सिंस किड, दे दो हेवन का टिकट, क्योंकि मुझे चैन से ना जीने देगी तू, मैं तो तना ही था ठीक क्या करूं, मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे नहीं क्या गिनू, हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में, खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे, फसाने भी यादें, हंसने साने भी यादें, ये जो बहाने भी यादें, बाप के दिए हुए ताने भी यादें, मुझे मेरा पीना भी याद है, मुझे मेरे खाने भी याद है, लौड़े खड़े मेरे लिए देर रात, माँ देख उन्हें मेरे गाने भी याद है, हाथ पांव सर चलाते पर चलाते, अब दिन भर चलाते, गाड़ियां भी देख अब हर चलाते, लौड़े चुपचाप जिम्मेदार घर चलाते, तुम खाली खेतों में हल चलाते, हमें ठंडे शहरों, दैट्स व्हाट रियल मेन डू, लौड़े चुपचाप अपना घर चलाते, दैट इज सिग्मा, दैट इज चैट, दैट इज रियल मैन, he says it when JJ comes on the mic, he says बातें जो तुम बड़े होके उस उम्र में जाके समझोगे सीखोगे कि मर्द बनना क्या होता है, JJ तुम्हें बता देगा ब्रो, उनके गाने सुनो, मुझे सब याद है ब्रो, मेरे बाप के ताने याद है ब्रो, स्टार्ट मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा JJ के पार्ट से फिर से, मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी तभी ताना बैठे नहीं क्या गिनूं, हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में, खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे, फसाने भी याद है, हंसने साने भी याद है, ये जो बहाने भी याद है, बाप के दिए हुए ताने भी याद है, मुझे मेरा पीना भी याद है, मुझे मेरे खाने भी याद है, लौड़े खड़े मेरे लिए देर रात, माँ देख उन्हें मेरे गाने भी याद है, हाथ पांव सर चलाते पर चलाते, अब दिन भर चलाते, गाड़ियां भी देख अब हर चलाते, लौड़े चुपचाप जिम्मेदार घर चलाते, तुम खाली खेतों में हल चलाते, हमें ठंडे शहरों में फर चलाते, तुम हारने से डरो तुम्हें डर चलाते, हम गैंगरा के साथ ये फखर चलाते, मची हुई हड़बड़ी है, इनकी जल पड़ी है, हम सिर्फ नोट गिनते अपनी चल पड़ी है, थे जो पेड़ बोए सारे उनकी जड़ बड़ी है, फिर भी चैन क्यों नहीं मिलता, कुछ तो गड़बड़ी है, वाह मुझे चैन से ना जीने देगी तू, एंड भी उसी तरीके से किया ना जैसे उसका हो क्या, मुझे चैन से नहीं जीने देगी तू, और फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता, शायद कुछ गड़बड़ी है, सब एक ही वो है, देखो गड़बड़ी है, मुझे ये भी याद है, एक वो शुरू हुआ, मुझे वो भी याद है, बाप के ताने याद है, लौंडे जो बाहर खड़े थे, माँ देख उनको गाने याद है, उसका एक छोटा सा माइनर फ्लो चेंज हुआ, उसके बाद वो कि लौंडे घर चलाते वो वाला लाइन कैरी करते हुए एंड किया, उसके बाद इसका हुक मतलब हेजी का हुक जो है वहां से अपना वर्स एंड किया है,
तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो पूरा गाने का। मैं तो ताना ही तो ठीक क्या करूं, मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या गिनूं। हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में, खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे। Go. This is the end of the EP and ये जो last part में जो अभी जोके का था ना, बहुत ऐसे गानों में मैं सुनता आया हूँ, तो तुम लोग प्लीज जिसे थोड़ा प्रोडक्शन का नॉलेज है, किसी इस चीज का नॉलेज है तो थोड़ा बता सकते हो कि ये है क्या, इस पार्ट को बोलते क्या है। आई डोंट नो बट बहुत ऐसे मतलब गानों में मुझे देखने को मिलता है। EP का बात करें, तीन गाने, तीन अलग जोन। आई थॉट कि भाई एक थीम पे बेस्ड होगा EP, बट वो नहीं था। थेरेपी के बाद ये एक ईपी आया, वो भी एक ईपी था आई गेस। सो बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इफ यू वांट टू पिक शारे, इफ यू वांट टू पिक मींस क्या, मैं अगर पिक करूंगा शारे फॉर मी बेस्ट सॉन्ग भाई इस ईपी में से। एंड स्टैंड अलोन क्या बोलते हैं, उमर अंजुम का भी गाना बहुत अच्छा था, फ्लोज देखने को, टेक्निकलिटीज एंड हार्ड कोर साइड थोड़ा तुम उसमें केटर कर सकते हो। एंड एक नया आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, वी नीड टू चेक आउट दिस आर्टिस्ट मोर। तुमको सॉन्ग्स रिकमेंड कर दो। एंड JJ47 एज यूजुअल तुम्हें एक दो लाइन फेंक के मारेगा जो अभी तक जहन में बैठ जाएगी, लौंडे चुपचाप अपना घर चलाते। एंड दिस विल बी द इंस्टाग्राम कैप्शन, इट इज वॉट इट इज। और ईपी का रेट, ईपी ऐसे ऐसे रेट करने वाला ईपी है नहीं, तुम बोलो, मेरे को लगता है बस ऐसे कंबाइन करके इसे डाला गया है, जेन्युइनली एक ईपी नहीं है। थेरेपी को एक ईपी हम कंसिडर कर सकते, इसे नहीं कंसिडर करना ही मीन्स नहीं कर सकते इसे कंसिडर, वो बस एक नाम का ही ईपी मेरे लिए मैं बोलूंगा। और या फिर इसको इस साइड से देख सकते कि न्यू टैलेंट का सपोर्ट फ्रॉम जोखे, क्योंकि तुम उमर को देख लो, अंजुम के साथ लगा हुआ है, यूनिस का भी साथ उमर ही है, तो जोखे इनको अभी देख रहा है, शारे को बोल लो, सैवेज को बोल लो, उमर को बोल लो, जेजे को बोल लो, एक दो शायद जानी के साथ भी है, जितने भी नए आर्टिस्ट को जोखे, तो वे क्या बोलो तो यंग और एक्सपीरियंस का वो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन बैठता है, इन्हें सीखने को मिलता है, उन्हें सीखने को मिलता है, तो सच में पाइनियर्स है ना यंगस्टर्स, तो जोखे इंक्लूडेड है, दे आर लेके चल रहे पूरा सीन को, पाकिस्तान सीन को एक साथ, तो ये एक यूनिटी देखने को मिलती है जो कि DHH इस साइड में, हमारे साइड में शायद उतना नहीं है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट दैट्स रियल शिट। ईपी बढ़िया था, तीनों गानों में से शारे का गाना फेवरेट था, कॉज बहुत रिलेटेबल, और इस टाइम वाला मीन्स मेरा जो भी फेस चल रहा है उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ उस गाने से। तो तुम लोग बताओ रिएक्शन कैसा लगा। एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज दिस हार्ट, व्हाट दिस हार्ट, दिस इज मिराज टी शर्ट what which I am wearing today, shout out to Miraj, yeah let's go। तुम लोग बताओ reaction कैसा लगा, video पसंद आए तो like कर दो, channel को subscribe कर दो, and channel dead है भाई, कोई reach नहीं है channel का, तो please अगर like कर दोगे तो it will be very helpful, and yeah let's go।